Your vision, your voice. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे। आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो और ये है एयर नेक्स्ट। मैं हूँ निधि और आज करने आई हूँ आप सभी से बहुत सारी बातें, पर उससे पहले आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है निधि, मैं हूँ गार्गी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्सेज कैंपस की पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। और आज यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं मेरे बैचमेट्स और हम सब आज आप लोगों से ढेर सारी बातें करने वाले हैं। तो आइए अब मैं आपको अपने साथियों से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितिका और बात की जाए मेरी हॉबीज़ की तो मुझे ढेर सारी नॉवेल्स पढ़ना, वॉल पेंटिंग्स बनाना, म्यूज़िक सुनना और नेचर के पास रहना बहुत पसंद है। साथ ही मैं 2 दिल्ली गर्ल्स एयर स्क्वाड्रन की NCC कैडेट भी हूँ। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपमाला गुप्ता और साथ ही में मैं एक NCC कैडेट भी हूँ। और बात करूँ मैं अपनी हॉबीज़ की तो मुझे खेलना बहुत पसंद है, बुक पढ़ना और गाना सुनना भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ भावना और अगर बात करें मेरी हॉबीज़ की तो मुझे म्यूज़िक सुनना, कॉमिक्स बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। साथ ही मैं 4DGBN की एक NCG कैडेट भी हूँ। नमस्कार, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से निशा आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। जहाँ तक सवाल है मेरी हॉबीज़ का तो मुझे डांस करना और म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम लिखा जीत है। मुझे नई नई किताबें पढ़ना और कुकिंग करने का शौक है। मुझे विभिन्न देशों और क्षेत्रों के क्यूजीन में भी बहुत दिलचस्पी है। तो निधि, आप भी अपनी हॉबीज़ के बारे में हमें बताना चाहेंगी? बिल्कुल रितिका, अगर आप बात करो मेरी हॉबीज़ की तो मुझे लोगों को सुनना व उनकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब मेरे दोस्तों को जान ही गए हैं, तो कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले सुनते हैं रितिका का फेवरेट सॉन्ग। तो बताइए रितिका, कौन सा गाना चलाएं? तो आइए सुनते हैं 3 Idiots मूवी का मेरा पसंदीदा गाना गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रेन, जिसे बहुत ही खूबसूरती से गाया है सूरज जगन एंड शर्मन जोशी ने। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रेन गिव मी अनदर चांस आई विल ग्रो अप वंस अगेन। कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। बचपन तो गया जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। We'll be right back.
के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na. वाह रितिका, आपने तो हमें हमारे स्कूल डेज की ही याद दिला दी। वापस आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम एयर नेक्स्ट में। मैं हूं निधि और आज का विषय है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूथ। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, ये नाम सुनते ही हम सबके मन में एक रूल बुक की छवि सामने आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश की बाइबल, गीता, कुरान सब कुछ है। आखिर हो भी क्यों ना, ये वही है जो हमें हमारे अधिकारों व कर्तव्यों से अवगत कराता है। ये हमें आवाज देता है ताकि हम अपने हक के लिए लड़ सकें। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। भारतीय संविधान को बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने व 18 दिन का समय लगा था। इसकी सबसे खास विशेषता यह है कि यह लचीला है, अर्थात इसमें समय के साथ साथ बदलाव भी किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, यह केवल एक मोटी किताब नहीं, इसमें होने वाले बदलाव इसे जीवंत बनाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। अब मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से संविधान की विशेषताओं को बताना चाहूंगी। संविधान देता है समानता का अधिकार, अब इंसान नहीं कर सकता इंसान का तिरस्कार। वाह निधि, बहुत ही अच्छी बात कही तुमने कि इंसान नहीं कर सकता इंसान का तिरस्कार। हमारा संविधान हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी देता है और आवाज देता है कि वह अपने हक के लिए आवाज उठा सके। धन्यवाद रितिका, आइए सुनते हैं दीपमाला का फेवरेट सॉन्ग जो हमारे भारत की विशेषताओं का वर्णन करता है, जिसके बोल हैं, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है।
हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सभी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं एयर नेक्स्ट, योर विजन योर वॉइस। सच में क्या बात है, कितना खूबसूरत गाना था। आखिर हमारा भारत है ही इतना महान। चलिए अब बात करते हैं रितिका से और जानते हैं कि उनके विचार कि आखिर वे भारतीय संविधान के विषय में क्या सोचती हैं। Nithi, for me, our constitution is not just a holy book with several rules and regulations, पर constitution एक ऐसा माध्यम है जो हर एक नागरिक को उसकी पहचान दिलाता है, साथ ही इंश्योर करता है कि उसके नागरिक बिना किसी भेदभाव के एक सम्मानीय जीवन जी सके। Also, for me, our constitution brings in the essence of unity and diversity, क्योंकि भारतवर्ष में रहने वाले हम सभी लोग भिन्न भिन्न धर्म, जाति, प्रांत, बोली, भाषा, संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। लेकिन निधि, सबसे सराहनीय बिंदु यह है कि इतनी विभिन्नता वाले देश को केवल एक ही संविधान चलाता है। Our constitution binds our diverse country. It was drafted after many hindrances and united the princely states in the country. हम ये कह सकते हैं कि हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोड़ कर रखे ऐसा भारत का संविधान है। अरे वारितिका, सही बात की। भारतीय संविधान हमारे पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधे रखता है, सबके हितों की रक्षा करता है। आइए जानते हैं हमारी साथी दीपमाला से कि आखिर वे संविधान के बारे में क्या सोचती हैं। निधि, अगर आप बात करो मेरी तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को बनाने के बाद काफी क्रिटिसिज्म को भी झेलना पड़ा था। इनफैक्ट अमेरिका के राष्ट्रपति चर्चिल ने यहाँ तक कह दिया था कि भारत ऐसे देश कभी चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि भारत को सम्मिलित करना बहुत मुश्किल था। ये तो हमारे नेहरू जी और पटेल जी का कमाल का इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंस था कि उन्होंने भारत को एक बना दिया। यहाँ मैं एक लाइन कोट करना चाहूंगी कि ना चलता है हमारा देश गीता कुरान से, देश चलता है अपना संविधान से। अरे वाह दीपमाला, क्या बात कही है, हमारा देश चलता है संविधान से। वाकई भारत देश का असली कोड ऑफ कंडक्ट हमारा संविधान है। हमारा संविधान सबको समान दृष्टि से देखता है और समान न्याय भी देता है। आइए जानते हैं हमारी साथी भावना के विचार कि वे आखिर संविधान के बारे में क्या सोचती हैं। निधि, बताना चाहूंगी कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि आर्टिकल 23-24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टेल्स अस चाइल्ड लेबर, ये किसी भी तरीके से चिल्ड्रंस को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, विच अल्टीमेटली शोज उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर्स की फार रीचिंग थॉट को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से चिल्ड्रन को एजुकेशन की ओर प्रोत्साहित किया गया, एजुकेशन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी सोसाइटी को रन करने के लिए, जबकि उस टाइम पर लोग एजुकेशन के लिए इतने अवेयर भी नहीं थे। सही कहा भावना, हमारे संविधान निर्माता दूरदर्शी तो थे, तभी तो आज आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारा संविधान बेहतरीन ढंग से अपना काम कर रहा है। तो अपने बाकी साथियों का विचार जानने से पहले आइए सुनते हैं शेरशाह मूवी का एक गाना, रांझा।
रूठी है शब्द रब्बा रब्बा दिल भी है रूठा सब कुछ है बिखरा 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 सा रूठा रूठा चुप माही चुप है रांझा बोले कैसे वे ना जा बोले कैसे वे ना जा 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 बोले कैसे वे ना जा बोले कैसे वे ना जा चुप माही चुप है रांझा वे मेरा टोला नहीं आया टोला वे मेरा टोला नहीं आया टोला ओ रब भी खेल है खेले रोज लगावे मेले केंदा कुछ ना बदला चुक बोले हर वेले ओ रब भी खेल है खेले रोज लगावे मेले केंदा कुछ ना बदला चुक बोले हर खुद तो रस मुड़ जावा ओनी मैं रज रज हिजर मनावा ओनी मैं खुद तो रस मुड़ जावा कल्ली पेड़ च बैठी तेरी पेड़ उल बैठी FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं एयर नेक्स्ट योर विजन योर वॉइस। वेलकम बैक टू एयर नेक्स्ट। अब जानते हैं अपनी साथी निशा के विचार। निधि अगर आप बात करें मेरी तो मैं भारतीय संविधान के बारे में बात करते हुए कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने इतिहास के पन्नों सोशल मीडिया फिल्मों आदि में पढ़ा या सुना है हमारे मन में संविधान को लेकर ऐसी तस्वीर बनती है जिसका संसार में कहीं भी और कोई भी मुकाबला नहीं है। भारतीय संविधान की तरह तरह की विशेषताएं यहाँ मौजूद मेरे अन्य साथियों ने तो बता ही दी है, मैं उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए कुछ कहना चाहूंगी। मेरा कहना ये है कि भारतीय संविधान किसी पवित्र ग्रंथ से कम नहीं है क्योंकि इसके तहत समाज के हर वर्ग का समावेशन किया गया है, फिर चाहे वह एक महिला हो, बच्चे हो, जाति वर्ग या दिव्यांग ही क्यों ना हो। सच कहा तुमने निशा कि हमारा संविधान हर वर्ग का समावेशन करता है। भारतीय संविधान ही दुनिया का इकलौता संविधान है जो यहाँ के लोगों को समर्पित है, इसलिए इसे पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो आइए जानते हैं हमारी साथी लिखा से कि आखिर वे संविधान के बारे में क्या सोचती हैं। निधि, मैं बात करना चाहूंगी भारतीय संविधान के प्रस्तावना दैट इज प्रीएम्बल के बारे में, जिसे संविधान का दिल और आत्मा भी कहा जाता है। यह संविधान का एक परिचय है जिसमें देश के लोगों का मार्गदर्शन के लिए नियमों और विनियमों के सेट शामिल है। ये जीवन का एक तरीका प्रदान करता है जिसमें एक सुखी जीवन की धारणा के रूप में बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता शामिल है जिसे एक दूसरे से नहीं लिया जा सकता है। बिल्कुल लिखा, प्रीएम्बल बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है हमारे भारतीय संविधान का। प्रीएम्बल डिफाइन करता है कि हमारा मुल्क कैसा होगा। ये भारतीय संविधान का वह आईना है जो भारतीय संविधान की विशाल रूपरेखा को बहुत ही संक्षिप्त रूप में दर्शाता है। तो
तो निधि, हम सब ने यह बात तो डिस्कस कर ही लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या क्या राइट्स देता है और उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ यूथ, हमारे क्या कर्तव्य है, हमारी क्या ड्यूटीज हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए, तो जानते हैं हम अपने दोस्तों से इसके बारे में। एक चीज जो मुझे एज अ यूथ खटकती है वो ये कि हम जो बातें पढ़ते हैं उन्हें अपने व्यवहार में नहीं लाते। जैसे एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हम पढ़ते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A हमें फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड कराता है एंड उसी का एक पार्ट है टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, बट 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद सड़कों पर हम कुछ और ही मंजर देखते हैं। सड़कों पर तिरंगा लोगों के पावों के नीचे पड़ा रहता है। तो क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज केवल रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे के लिए ही होती हैं? वी नीड टू चेंज सच काइंड ऑफ मेंटालिटी। एज अ यूथ वी कैन ब्रिंग चेंज नॉट ओनली विद इन अस बट इन अदर्स ऑल्सो, अ चेंज इन आवर बिहेवियर, आइडियोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस। बिल्कुल सही बात की आपने रितिका, हमें तिरंगे व राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। निधि, मैंने कई दफा देखा है कि लोग हमारे ऐतिहासिक इमारतों को गंदा करते हैं, वह वहाँ कचरा भी फैलाते हैं। क्या यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है कि हम अपने ऐतिहासिक इमारतों को साफ रखें, ताकि विदेशियों के बीच यह एक आकर्षण का केंद्र बन सके व हमारा भारत देश विश्व विख्यात हो जाए? हम सभी को हमारा योगदान भारत को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने में करना चाहिए, ना कि इसे गंदा करने में। एज अ यूथ जो इशू मैं रेज करना चाहूंगी वो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अप्रोच आज भी कई मायनों में सीमित है। आज हमारे संविधान को लागू हुए 70 वर्ष से भी अधिक हो गया है, किंतु आज भी अगर हम सड़क पर किसी दुकानदार या रिक्शे वाले या कोई भी आम आदमी से उनके अधिकारों के बारे में पूछें, तो उन्हें ज्ञात नहीं होगा। इस संवैधानिक अज्ञानता को मिटाने के लिए हमें संविधान में निहित हमारे अधिकारों को सिंपल भाषा में आम नागरिकों को पहुंचाने की जरूरत है। बिल्कुल भावना, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हमें जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। मैं बताना चाहूंगी कि यूं तो संविधान अपने कार्यों में काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है, मगर आज भी बहुत से नामी गिरामी व्यक्ति अपनी पावर एंड पोजीशन का मिसयूज करके कमतर लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। इस सिलसिले पर मेरा यह मानना है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक तक हाई लेवल पर हमें जागरूकता फैलानी होगी, ताकि आज के युवा की शिक्षा व ज्ञान भारी पड़ जाए। वाह निशा, क्या बात कही है आपने, हमें भारत के प्रत्येक नागरिक को जगाना होगा। मेरी राय में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से भारत जैसे देश में बहुत से लोग अभी भी वंचित है, इसीलिए वोट का अधिकार योग्य होना चाहिए। कोई इसे केवल करदाताओं तक ही सीमित कर सकता है या ऐसे लोग जिसके न्यूनतम प्रारंभिक शिक्षा हो। बिल्कुल लिखा, हमें अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। यहाँ मैं यह कहूँगी, आपका वोट आपका अधिकार है, अपने वोट का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते तो उनकी कुर्बानियाँ बेकार होंगी जिन्होंने स्वर्णिम भारत को बनाने में अपना आज गंवाया था। इसी दिन के लिए हम सभी को हमारा हक मिले, लोगों ने फांसी के फंदों को अपने गले से लगाया था, लाठियों को सहा, हर जुल्म को सहा, ताकि प्रत्येक हिंदुस्तानी को उसका हक मिल सके, अपनी आवाज मिल सके, अपना वोट मिल सके। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आज के दौर में हम समझते हैं जितनी अहमियत साइंस और मैथमेटिक्स को पढ़ाने की है, उतनी ही अहमियत कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स, ये समझाना भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आप जानती हैं कि इस वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसी के चलते हम यहाँ आज एयरनेक्स कार्यक्रम से जुड़े, और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ इतने लंबे समय तक बने रहें। तो छोड़े जाते हैं आपको एक खूबसूरत से गीत के साथ, जो कि है राजी मूवी का ए वतन सॉन्ग। दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना
वतन वतन मेरे आबाद रहे तो ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दो तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दो कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो ऐ वतन मेरे Next.